नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। रीवा जिले के चोराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैपखरा गांव में जमीनी विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। विगत दिनों सेना के जवान के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसके बाद आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आरोपी आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम देते रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि अपनी पहुंच के चलते आए दिन आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। विगत दिनों धर्मेंद्र द्विवेदी अपने खेत में पानी लगा रहे थे और उसी समय राजेंद्र मिश्रा, उनके लड़के सतीश मिश्रा, सुनील मिश्रा पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दिया। अचानक हुए हमले से धर्मेंद्र द्विवेदी अचेत होकर धराशायी हो गए, जिसकी जानकारी लगते ही परिवार के लोग पहुंचे और बीच बचाव किया। सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि पीड़ित परिवार जब घायल को लेकर थाने पहुंचे तो घंटों थाने में खड़े रहे, पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। घायल के बेटे ने बताया कि उसके परिवार के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं की जाती हैं। गंभीर चोट पहुंचने के बाद भी पुलिस साधारण मामले दर्ज करती है, जबकि जिनको चोटें नहीं आई होती हैं उनकी तरफ से उसके परिवार के ऊपर गंभीर धाराएं लगाकर परेशान किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग परिवार का जीना मुश्किल किए हुए हैं और स्थानीय पुलिस के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किशन द्विवेदी नाम है। क्या घटना हुई आपके साथ? ये घटना सुबह पानी लगाने गए थे, कल से खेत में पानी छोड़ा गया था, तो शाम को मैं पानी छोड़ के आया था। सुबह सुबह पापा जी 5 बजे पानी लगाने गए थे, फिर इसके बाद मोटरसाइकिल में हमारे पड़ोसी प्रिंस मिश्रा, राहुल मिश्रा, रोहित मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, सतीश मिश्रा, सुनील मिश्रा और कई सारे लोग मिलके मोटरसाइकिल से आए और उनके ऊपर हमला कर दिए और उनको वहीं पास मार के फेंक दिए थे खेत में। फिर हमको हमारे जिनके मोटर से हमने पानी लगाया था दीप नारायण शुक्ला के यहाँ से, वो हमको फ़ोन करवाए। फिर हम मैं गया तो जब देखा तो ऐसी हालत थी, तो सभी लोग थे तो फिर उठा के खेत से बाहर निकाले, फेंक दिए थे एकदम तोड़ से, बेहोशी की हालत में थे। जब मैं गया फिर पानी ओनी डाल के होश में आए, मुझे तो लगा कि इनकी डेड हो गई है, लेकिन फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किए, न तो एम्बुलेंस टाइम से पहुँची न तो पुलिस की गाड़ी आई। यहाँ थाने में कब से आप खड़े हैं? थाने से करीब एक घंटा हो गया थाने से। थाने में आए अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, ना मेडिकल हुआ ना कुछ हुआ। तो बस पड़ोसी हमसे तो वो कर देते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे साथी हैं तो हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। ये साल में हमारी तीसरी घटना है। 25 अक्टूबर को पिछली बार हमारे चाचा BSF के जवान हैं, तो हमारे चाचा के ऊपर अटैक कर दिए थे। छुट्टी पर आए और जैसे ही बाहर गए तो रोड साइड से वापस आ रहे थे, तो उनका पूरा पैर और पूरा फ्रैक्चर कर दिए। तो अभी भी उनका वो ड्यूटी पे अब चले गए हैं, लेकिन चलते उलते नहीं बनता, पूरा फ्रैक्चर है। और हमारे भी चोट लगी थी, गर्दन का नस टूट गई थी, सर में चोट आई है, पूरा पैर और में चोट भी हमारे लगी थी, मम्मी के भी लगी है, चाचा के भी लगी थी, कई सारे लोगों की चोट आई है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कारण है विवाद का, किस कारण से विवाद? कुछ नहीं है सर, पहले से पूर्वजों का जमीनी विवाद जो कोर्ट में चल रहा है उसी को लेके ये क्या करते हैं, आए दिन झगड़ा करते हैं, अपने पावर का उपयोग करते हैं, और धमकाते हैं। हम लोगों की ज़मीन में खुद रहते हैं और हम लोगों को ही धमकाते हैं डेली, हम लोग निकल नहीं पाते। ये नहीं है कि हम लोग शाम को 4-5 बजे के बाद अगर निकल जाएँ अकेले तो डर सा वाला रहता है कि मतलब कहीं मार देंगे, तो हम लोग कहीं जा नहीं पाते, कहीं नौकरी नहीं कर पाते, नौकरी करते हैं तो गलत रिपोर्ट में फंसा देते हैं। क्या नाम है उनका? आरोपी राजेंद्र मिश्रा के लड़के हैं सुनील मिश्रा, सतीश मिश्रा, एक धर्मेंद्र मिश्रा के पुत्र हैं प्रिंस मिश्रा, मोहनलाल के पुत्र राहुल मिश्रा, रोहित मिश्रा और इनके परिवार में राजीव मिश्रा, मोहनलाल, देवलाल, ये सभी लोग इकट्ठे हैं। खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।